अगर इफ अमन इज नॉट गोइंग वायरल वो रातों रात सो नहीं पाएगा. इसका तो मन कर रहा है कॉफी तो आज अपनी तो गिराई दो थोड़ी सी तेरी बीच में वाइट पैंट है ये वाइट पैंट पे वाइट ड्रेस में पर कोई बात नहीं. आई थिंक पिक्चर नहीं तो शाक ही सही. अरे यार आजकल तुम एंटरप्रेन्योर्स भी सेलिब्रिटी बने हुए हो सालो. तुम लोग जब सेलिब्रिटी लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हो आजकल तो तुम उसमें प्रॉब्लम नहीं है रिवर्स हो रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है. This is Nawaz Kotra joining you on Indian Express and I am in conversation with the sharks from Shark Tank India Season 3. We have with us Vinita Singh, Amit Jain, Ritesh Agarwal and Aman Gupta. Your favorite. Hello. Yes. I want to begin asking this ke itne saalon se aap sab log business kar rahe ho. You all are used to, you know, entering probably from one board meeting into another board meeting. But how is this entire experience of being on a set, shooting? Aap log ke liye 3 saal ho chuke, aapke liye 2 saal ho chuke, but it's your first. So let's start with you. How is this entire experience of being on a set, shooting for so many hours? I'm glad that you know, आप newbie को प्यार देना चाह रहे थे, but आपने मुझे सबसे पहले spot में डाल दिया. But you know, मैं genuinely काफी excited था. मतलब I was genuinely, if you see, you know, my eyes are wide open. I was grinning ear to ear. बहुत excited था मैं. और entrepreneurs इतने अलग-अलग तरीके के आ रहे थे. सबके अपने unique context थे. तो I think it was fascinating. And then of course, being with the sharks and being able to also see कि वो किस तरीके से engage कर रहे entrepreneurs. So I think long story short, very exciting, lot of learning, but of course very tiring also. सुबह 9 बजे शुरू करते थे. And at least 12-14 घंटा तो हर रोज़ ही होता था. Maybe even longer. तो tiring but all worth it. All worth it. You know, I have to say this. You are like one of the most viral sharks right now. Whether it is tearing a check or you know whether it is intimidating the pitchers. When you know when you go viral for these reasons, how does it feel? You know, sometimes what should I say? Like it's this internet is a very fun place, right? And it's I watch reels a lot, right? मैं रात को ना आधा एक घंटा तो सोने से पहले reels देखने लगा हूँ आजकल. It's become like that. तो उसमें बीच बीच में मेरी रील आती है तो मुझे अच्छा लगता है यार भाई आ गया. बट पता नहीं लगता कि कौन सी रील कब आ जाती है, क्या होता है, एंड कौन सी चीज वायरल हो जाती है, कुछ नहीं पता. देखो ये इसने गलत आंसर बोला बिकॉज आई नो हिम फॉर 2 इयर्स. आई टेल यू द ट्रुथ. अगर इफ अमन इज नॉट गोइंग वायरल वो रातों रात सो नहीं पाएगा. So it is not that उसको कैसा लग रहा है when he's going viral. और अगर ये आपको कैसा लग रहा है when you're not going viral. और अगर विनीता रात भर वो सो नहीं पाता. और विनीता अगर मेरे बारे में बात हो बीच में ना आए तो इसको भी नींद नहीं आएगी पूरा दिन. इसका तो मन कर रहा है कॉफी तो आज अपनी तो गिराई दो थोड़ी सी बीच में वाइट पैंट है ये वाइट पैंट पे वाइट ड्रेस में पागल कर रखा है यार. कोई मेरी बात करता है बीच में घुस जाती है. हाँ तो आप क्या कह रहे थे मेरे बारे में, रुको हम ये बात करते कैसा लगता है when you know you go viral for. So, मतलब I love the content which comes in. Yes. The feeling is like यार this it's a funny world and कोई भी कुछ भी तात्पर्य निकाल के कोई भी कुछ भी कहीं से relation निकाल के कोई music डाल के कुछ भी बना देता है. सही लगता है. I just laugh it out. You all have had your success stories, but in this journey with Shark Tank India, has there ever been a moment जब आपके दिमाग में आया हो कि यार when we were starting off काश एक Shark Tank India हमारे life में भी होता. नहीं ऑफ कोर्स लगा. आई थिंक हम लोग जब शुरू कर रहे थे, एटलीस्ट मैं जब शुरू कर रहा था आई वॉज 19. यस. और उस समय में अगर आप देखें तो जनरली सबसे पहला सवाल होता था लोगों का कि आप कितना समय करोगे बिफोर योर पेरेंट्स फोर्स यू टू गो टू यूनिवर्सिटी या अंडरग्रेड. उस समय अगर इस तरीके का प्लेटफॉर्म होता जहाँ पर आकर के आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते, आपको ऐसे हाई क्वालिटी मेंटोर्स और एंटरप्रेन्योर्स से मिलने का मौका मिलता, आपके प्रोडक्ट को देश भर में लोगों तक पहुँचाने के लिए, मतलब जिसको करने के लिए शायद 5-5, 10-10 साल लगते हैं कंपनियों में, वो ओवरनाइट मिल सकता. तो मुझे लगता है इट वुड हैव बीन ट्रांसफॉर्मेशनल. और आज ऑलरेडी दिख रहा है, मैं सीज़न 1 और 2 की कंपनीज के बारे में सुनता हूँ हमारे कॉलीग से शार्क से, और मैं देखता हूँ कि उन सारी कंपनीज की मतलब ऑलमोस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नीज रही. तो ऑफकोर्स आई थिंक मुझे लगता है कि शार्क टैंक होता तो बहुत अच्छा होता, पर कोई बात नहीं. आई थिंक पिक्चर नहीं तो शार्क ही सही. ऑनेस्टली Today also Shark Tank by far is the most inclusive investment platform in the probably in the world. क्योंकि यहीं पे है कि आप देख रहे हो कि हम कई लोगों के पोर्टफोलियो में 50% investment is going to women. Right. जो बाकी इकोसिस्टम है 2-2.5% होता है वो. Similarly people coming from non-pedigree
और यू नो नॉट लाइक विद अ क्लासिक एजुकेशनल बैकग्राउंड और अ ब्रांड और सिटीज या छोटे छोटे गांव से 81 ईयर ओल्ड 16 ईयर ओल्ड ये नहीं देखने को मिलता है. इफ यू लुक एट द वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम वो बहुत ज्यादा आज की तारीख में भी मतलब एक जोक होता था कि अगर आप इंजीनियर नहीं हो विद द सरनेम बंसल तो आपको वीसी से फंडिंग तो नहीं मिल सकती राइट. एंड नाउ शार्क टैंक ऑन द एज अ कॉन्ट्रास्ट यू सी ऑल काइंड ऑफ बैकग्राउंड से पीपल गेटिंग इन्वेस्टेड. ननद भाभी की जोड़ी उस दिन नंदोई आई एंड उनकी सिस्टर इन लॉ ने स्टार्ट किया हुआ था. Family is doing businesses together. So I think it is still the most inclusive platform and I don't think agle 10 saal mein ye change hoga. So being a part of that is amazing. There was nothing like a startup that existed. Today startups is become like one big thing in the business arena. But to what extent do the business or the entrepreneurs today are willing to take that risk? I think bahut capability badh gayi hai risk lene ki frankly. Pehle hota tha jab main start kar raha tha matlab घर वालों को बोलना पड़ता था कि नौकरी नहीं कर रहा. अब बोलते हैं स्टार्टअप कर रहे हैं राइट. इट्स अ प्राइड नाउ. एग्जैक्टली थिंक्स हैव चेंज्ड. आई थिंक रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हैव गॉन अप बाय अ मार्जिन नाउ. लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस मतलब पीपल फ्रॉम आवर कंपनी हैव लेफ्ट एंड डन ग्रेट डूइंग स्टार्टअप्स. कुछ का चलता है कुछ का नहीं चलता. मैं सबको ये बोलता हूँ कि चले नहीं चले उससे फर्क नहीं पड़ेगा बट सीख के निकलोगे. दिस एक्सपीरियंस कैन नॉट बी रिप्लीकेटेड बाय इन अ जॉब एवर. सो आई रिकमेंड एवरीबडी कि तुम्हें करना तो चाहिए लाइफ में. You know, this question is especially for you and Vinita, for you. I want to know that when Bollywood meets business, you know, a culture hota hai business mein of having brand ambassadors, of having, you know, brand promotions. So when Bollywood meets business, what is that key factor, you know, that you have to keep in mind when you approach, like, for example, Tamanna Bhatia, Ranveer Singh have been ambassadors. For you, Ranveer Singh has joined in as an ambassador. So what is that key factor, you know, when you are, when Bollywood meets business to deal with? Matlab, but like, for shares to Bollywood or for Bollywood meets business? No, not the shares, not the business aspect, then, but you know, probably the image of the brand putting it out there. Yaar, jaise hamara agar tu, matlab, hum log jab bhi lete the, toh, if you look at our journey, we had Kartik Aaryan first as our brand ambassador and Kiara Advani, and we had signed them even before their movies were not even released. So it was like more of, you know, help. We grew together, Hardik Pandya. Today also we've got 6 cricketers and most of them are like not even 1 year into the Indian cricket team. So, you know, the brand and the brand ambassador, the vibe has to go together, right? And it's very important to choose the right brand ambassador. Like, for us now, Ranveer Singh at a stage of a brand where we've matured and maturing, and we are now you know, touch wood, we're doing well. It's like the one of the number one brand in India in audio, right? So we've got to sign up with the big boys also, you know, to enter the big league. To, you know, it's still not easy. It's an expensive. Pehle we were used to work with people who were not relatively as expensive, right? But now, you know, you grow with them. Now you have, you're in a second league where you have to grow with them. So it's maturing of the brand and the life cycle of the brand has to evolve like that. So you have to choose your, you know, to cut the story short, the brand and the brand ambassador has to go together, right? It can't be unrelated to each other. And I think 10 saal pehle hota ye tha ki ब्रांड एम्बेसडर्स जो थे वो एक टीवी ऐड करके ब्रांड को भूल जाते थे. बट आज की तारीख में इफ़ यू लुक एट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ वो देख रहे हैं कि देर इज़ दिस इकोसिस्टम स्टार्टअप्स का एंड ब्रांड्स फ्रॉम इंडिया जो इतना फास्ट इवॉल्व हो रहा है कि अगले 20 साल में एक्शन तो यहाँ पे है. तो काफ़ी टाइम दे वॉन्ट टू ऑल्सो पार्टनर विद ब्रांड्स. सो लाइक फॉर इंस्टेंस फॉर अस ऑल्सो वी डन दिस इक्विटी पार्टनरशिप रणबीर के साथ, करीना कपूर के साथ, लाइक अमन वॉज टॉकिंग अबाउट. The reason celebrities want to do this is कि they also think कि हमारे लिए अगले 20, 25, 30 साल अगर हमें grow करना है तो it is important to not do these छोटा annual contracts but to play the long game जहाँ जब जैसे ही brand बड़ा होगा हमारी भी जो equity है वो grow करेगी. तो I think आज की तारीख में even Bollywood celebs are very evolved. वो देखते हैं कि ownership होनी चाहिए. वो एक शूट करके भूल नहीं जाते हैं, वो पूरा ईयर लॉन्ग सोशल मीडिया एंगेजमेंट रखते हैं बिकॉज वो भी आई थिंक आज कल मिस आउट नहीं करना चाहते हैं. right. ये जो वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है जहाँ ब्रांड्स इंडिया से बन रहे हैं फॉर द वर्ल्ड. आज का एक फन फैक्ट बताता हूँ मेरे को ना, एक
मैं किसी एक अवार्ड फंक्शन में था तो मुझे कोई एक सेलिब्रिटी एक्ट्रेस है और वो मुझे अवार्ड दे रही थी किसी चीज़ में, तो कहती अरे यार आजकल तुम एंटरप्रेन्योर्स भी सेलिब्रिटी बने हुए हो, सालों तुम लोग जब सेलिब्रिटी लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हो आजकल तो तुम उसमें प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्स हो रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है. सो यू नो इट्स दैट वर्ल्ड इज कन्वर्जिंग इज व्हाट आई वुड से. सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज आउट ऑफ द 12 शार्क्स हु इज द मोस्ट इजी टू कन्विंस, हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू कन्विंस. Difficult, नहीं difficult. ज्ञानी बाबा आई थिंक. आई थिंक डिपेंड्स इफ इट्स अ हेल्थ डील देन फॉर श्योर अनुपम. इफ इट्स अ आई थिंक या आई थिंक all of us in little bit yeah in some sense in some depends on which category the deal is in. Who's the most fun shark? Not Avan Gupta. Not him. I would say me. We definitely know who it's not and that's Aman. Okay dekha fir shuru ho gaya. Who's the most annoying shark? Definitely Anita. Who's the richest shark? Billionaire. Youngest. Because from what I was reading, that it was Amit. No. That was season 2. Ritesh to go. Season 2, season 3, season 4, there are newer sharks coming for becoming the next Mr. Richer. I think everybody is quite wealthy here. They are all helping entrepreneurs. So, वैसे ही सोचिए. इसमें भी आपको humility दिखानी थी. ये तो number था यार. इसमें तो कोई जरूरत नहीं. बट ये कुछ जरूरत नहीं. मेरे को बात नहीं समझ आई. ये ऐसे कैसे आप इनको बोल रहे हो आप ये evolve हुई हैं और ये आपकी humility पे question कर रही हैं कि आप इसमें humility दिखा रहे हो. ये नहीं बोला आप humble हो. ये बोला आप humility दिखा. देखा तुमने आपकी टी-शर्ट याद है चेंज कराई थी. वो बात तो सही है. मैं आपको बता रहा हूँ एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. इट्स नॉट फुली अचीव्ड येट. अभी डार्विन पे नहीं जाते हैं आप आगे बताइए. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाकी है. ओके.